हेलो दोस्तों, साथी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धानी वाले ने अभी एक धानी ऑन फ्रीडम करके लॉन्च किया है। इसके पहले ये लोग ने धानी क्रेडिट लाइन करके लॉन्च किया था, जो कि एक लोन था और उसको आपने यूज़ करने के लिए आपको कैश यूज़ करने के लिए भी मिलता था, जो आपको वॉलेट में मिलता था अमाउंट, और उसको आपने बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। लेकिन अभी जो धानी ऑन फ्रीडम क्रेडिट लाइन करके दिया है, इसको आपको बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इसको यूज़ करने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे बता रहा है कि 0% इंटरेस्ट में क्रेडिट लाइन आपको मिलेगा। जो भी आपने यूज़ करते हैं उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने का ज़रूरत नहीं है, नो कॉस्ट ईएमआई की तरह है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ हिडन चार्ज लगाए ये लोग ने, इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो भी बना चुका हूँ पहले। तो अभी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो धानी ऑन फ्रीडम क्रेडिट लाइन मिला है उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी कुछ लोग को इसमें कुछ डाउट हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है इसको किस तरह से यूज़ करना है, ये क्या है। तो आज के वीडियो में आप लोग को पूरा बताने वाला हूँ मैं, इसको आपने ऑनलाइन में ऑफलाइन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पूरा जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। धानी ऑन फ्रीडम को आपने अप्लाई करेंगे तो उसके साथ साथ आपको एक फ्री में धानी रुपए कार्ड भी मिल जाएगा। आपको वो लोग ने कुछ दिन में आपके एड्रेस पर सेंड कर देंगे और वो आपको धानी रुपए कार्ड भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा है। और आपने इसको यूज़ करेंगे तो आपको कैशबैक भी मिलेगा, 0.5% आपको कैशबैक मिलेगा, रियल कैश मिलेगा, धनी कैश नहीं, रियल कैश मिलेगा। और जब आपके पास ये फ्री में ये धनी रुपए कार्ड आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है तो उसको आपको एक बार एक्टिवेट करना पड़ता है। उसको अगर आपने उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो कहीं भी यूज़ कर नहीं सकते। एक बार उसको एक्टिवेट करेंगे तो उसको यूज़ करने के लिए आपको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एनीवेयर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप उसका। यहाँ पर 0% इंटरेस्ट क्रेडिट लाइन दे रहा है आपको, लेकिन इसके पीछे भी कुछ हिडन चार्ज भी दिया है ये लोग ने, उसका चार्ज भी पे करना है। जैसे आपको कितना अमाउंट मिलता है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग को 5,000 का अप्रूवल मिला है। जैसे 5,000 का मिला है तो 200 का चार्ज ले रहा है, और किसी का 10,000 भी मिला है तो वो लोग का 300 रुपीज़ चार्ज ले रहा है ये लोग ने, जो डॉक्टर का फी करके बता रहा है। अगर आपने इसको एक बार अप्लाई कर दिया तो आपके पास अमाउंट मिल गया तो आप यूज़ करें या ना करें, आपको वो जो पे उसको चार्ज पे करना है 200 या 300 जो भी है उसको पे करना है। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये धानी रुपए कार्ड किस तरह से एक्टिवेट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे वॉलेट पर जाना होगा। वॉलेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे बता रहा है धानी कार्ड करके लिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको ऑर्डर करने के लिए ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपने अगर वो धानी ऑन फ्रीडम क्रेडिट लाइन लिया है तो ऑटोमेटिकली आपके एड्रेस पर आ जाएगा वो, यहाँ पे आपको ऑर्डर करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर फिजिकल कार्ड के लिए ये ऑप्शन है, आपको देखिए एक्टिवेट योर फिजिकल कार्ड करके बता रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको फिजिकल कार्ड एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको सेटअप करना है। देखिए इसको यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो जो आपने क्रेडिट लाइन लिया है तभी इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसा यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू करके करने के लिए बता रहे हैं, क्रेडिट लाइन लेने के लिए बता रहा है, वो आपको ऐसे ही डायरेक्ट प्री अप्रूव मिल जाता है ये कार्ड। और यहाँ पर आपको कुछ सेट करना है, वहाँ पर सेट करने के बाद में एक धनी के ओर पर कॉल करने के लिए ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर उस पर कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक उधर से एक कॉल आता है और वहाँ पर आपको कुछ फिल करना है, मतलब कि आपका जो ये डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करना है, उसके बाद में आपको यूज़ करने के लिए वो कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। और अगर आपने इसको फिजिकल कार्ड यूज़ नहीं करना है, आपको डिजिटल कार्ड यूज़ करना है तो उसका भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे एक्टिव नाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको जो एक ट्रांजेक्शन पिन से उसको सेट करना है, फोर अंकों का यहाँ पर सेट करना है, जो ATM का होता है उसी तरह सेट करना है। उसके बाद में सेम प्रोसेस होता है और एक कॉल का ऑप्शन रहता है, उसको कॉल करेंगे तो धनी की ओर से एक ऑटोमेटिक कॉल आता है, वहाँ पे भी आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद में आपका कार्ड यूज़ करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है और कहीं भी यूज़ कर सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको
किस तरह से यूज़ करना है आपको, जो अभी धनी ऑन फ्रीडम क्रेडिट लाइन मिला है उसको किस तरह से यूज़ करना है आपको। जिन लोगों के पास ये फिजिकल कार्ड धनी कार्ड पहले से है उन लोग को इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर जिसके पास नहीं है एक्टिवेट करने के बाद में कहीं भी यूज़ करने के लिए मिलेगा ये। इसको आपको यूज़ करने के लिए अगर आप चाहें तो जो ये धनी ऐप से रिचार्ज बिल पेमेंट कुछ भी आपको इसे यूज़ करेंगे तो आपका जो क्रेडिट लाइन मिला है सिर्फ उसमें से पैसा कट होता है, आपको कहीं दूसरा जगह से पे करने का ज़रूरत नहीं है, वही धनी ऑन फ्रीडम क्रेडिट लाइन से पैसा कट होता है। आप इस ऐप से यूज़ करते हैं या फिर आप कहीं ऑनलाइन में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये कार्ड नंबर फिल करने के लिए होता है। ये कार्ड आपको एक बैंक के डेबिट कार्ड के उसमें मिल जाता है। आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको इसका कार्ड नंबर और जो भी आपने जो बैंक का डेबिट कार्ड फिल करता है ठीक उसी तरह से इसको फिल करके यूज़ करना है इसको। अगर आपने इसको ऑफलाइन से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आपके पास ये फिजिकल कार्ड है और इसको एक्टिवेट किया है तो आपने इसको ऑफलाइन में कहीं भी कुछ शॉपिंग करते हैं, कहीं भी आपका कुछ भी सामान परचेस करते हैं तो उस वहाँ पर कार्ड स्वाइप करके यूज़ करने के लिए मिलेगा और इसमें से जो भी पैसा कट होगा वही आपको धनी ऑन फ्रीडम क्रेडिट लाइन में जो अमाउंट मिला है तो वहीं से कट होता है। इसका पैसा आपको दूसरा जगह से पे करने का कुछ ज़रूरत नहीं होता है, डायरेक्ट उसी से कट होता है। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन में भी वही है, इसका आपको शॉपिंग के लिए तो हो गया, अगर आप कहीं भी होटल में जाते हैं कहीं है, उसका भी यूज़ होता है, आपको फ्यूल में भी यूज़ होता है, हर जगह में इस कार्ड का यूज़ होता है आपको। और आपके पास ये कार्ड है तो कहीं भी इसका यूज़ कर पाएंगे और जो भी अमाउंट आपने स्पेंड करते हैं खर्चा करते हैं उसमें आपको 0.5% का कैशबैक भी मिलेगा, रियल कैश भी मिलेगा, हर जगह में आपको एनीवेयर यूज़ करने के लिए मिलेगा। जो कि आपका बैंक का एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है ठीक उसी तरह से इसका भी यूज़ होता है। और जो भी यहाँ पे आपका आप स्पेंड करेंगे खर्चा करेंगे वो आपको धनी ऑन फ्रीडम का जो क्रेडिट लाइन अमाउंट मिला है उसमें से कट होता है इसमें। और इसका जो भी आपका वन मंथ में आपको जितना भी आप इसमें खर्चा करेंगे और उसको आपको लास्ट में उसको 3 EMI में पे करना है, जो कि आपको इंटरेस्ट फ्री रहेगा, नो कॉस्ट EMI रहेगा, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आपको जो भी खर्चा करेंगे उसको डिवाइड करके 3 मंथ में पे करना है उसको, ठीक है। इस तरह से इसका यूज़ होता है। अगर आपके पास कोई भी मन में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नीचे, कोई भी ऐसा कुछ मन में डाउट है तो आज के लिए यही लेके आया था। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।